So today we start a portion of the death of a partner. आज हम death of a partner का एक portion करने जा रहे हैं. Last video में मैंने आपको समझाया था कि profit कैसे convertible होते हैं on the basis of time and on the basis of sale. तो वो जो topic है वो इस portion में include है. तो ये आपकी help करेगा इस portion को करने में भी और इस topic को समझने में. तो हम question लेकर करते हैं. ABC were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. A, B और C three partners हैं. वो profit sharing ratio किस ratio में बांट रहे हैं? 3:2:1. अब आपको question में balance sheet दे रही है. ये balance sheet की liability वाली side है और ये क्या है? Asset वाली side है. ये तो आप लोग जानते हैं. उसके अलावा आपको नीचे information दे रही है कि A की death हो गई 30 सितंबर 2003. और डेथ के बाद पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम है. सेकंड पॉइंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट सॉरी 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट. मतलब मैंने कह लिया है कि जो आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 4 ईयर परचेज है इसका लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट. तो आपको एवरेज प्रॉफिट कब आपको याद होगा वो लास्ट पॉइंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट. आपने उसके मरने तक का प्रॉफिट निकालना है जिसे कुछ निकालना है पिछले साल के प्रॉफिट में से. तो पिछले 3 साल के आपको प्रॉफिट देना है. सबसे पहली बात जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि सिर्फ उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट धन है. तुम्हारा क्वेश्चन का है कि पेयर ए कैपिटल अकाउंट. तो हम यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ तीनों पार्टनर्स का अकाउंट नहीं बना रहे सिर्फ ए का कैपिटल अकाउंट. तो पहला कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट. आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या है ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी के नाम से जो भी कितना है 24,000 दैट विल बी शो हियर. उसके बाद आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व देखने की 6,000 जिसमें से ए का हिस्सा कितना है 3/6 तो हम 6000 का 3/6 निकालेंगे कितना बनेगा 3000 दैट विल बी शो इन द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. तो हमने क्रेडिट साइड शो कर दिया बाय रिजर्व के नाम से 3000 इस ए ही को क्लियर भी मत. उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट है डिस्कशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है. तो नोटिस करो कि ए की कैपिटल कितनी 24000 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12%. तो अब ये बात सोच देखो कि 12% पर है ना मतलब इस साल का इंटरेस्ट 12% है पर ए की डेथ कब हुई 30 सितंबर को. तो हमारे साल की स्टार्टिंग ए का अप्रैल से होती है और 30 सितंबर को ए की डेथ हो रही है तो 6 महीने का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा कितने मंथ का 6 मंथ का. तो 24,000 × 12/100 × 6/12 क्लियर है. 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको कितना मिलेगा 1440. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान जाते हैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से 1450. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शेयर ऑफ गुडविल. सी गुडविल का मतलब नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस. तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने हैं 4 ईयर ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज. पहले हम 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट देखिए 8,000, 12,000 और 7,000 इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. पहले तीनों को ऐड करेंगे जो कितना बनेगा 27,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 9,000 बना. अब 9,000 तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब हमारे गुडविल क्या है 4 ईयर परचेज है तो 9,000 एवरेज प्रॉफिट किससे निकालेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से 4 से तो हमारी गुडविल आ गई फर्म की 36,000. अब इस गुडविल में से जितना हिस्सा ए का है 3/6 कितना हिस्सा हम गुडविल देंगे 36,000 का 3/6 निकालेंगे कितना मिलेगा 18,000. ये 18,000 हिस्सा किसको मिलेगा ए को मिलेगा. तो ए की कैपिटल हमने ट्रेड कर दिया देखा कौन बी और सी किस रेशो में गेनिंग रेशो में. आपको फर्स्ट फॉर्मूले में याद होगा कि अगर ए रिटायर हो रहे हैं ए डेथ हो रही है और इसके अलावा आपको एक और इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो उस केस में बी और सी की ओल्ड रेशो की रेशो की जो रही थी गेनिंग रेशो की है तो 18,000 को बी और सी किस रेशो में टू रेशो में 2/3 हिस्सा बी देगा और 1/3 हिस्सा सी देगा. तो 18,000 का 2/3 से कितना कितना 12,000 और सी कितने का 6,000. अब आपने ए कैपिटल अकाउंट को ट्रेड करा तो कैपिटल अकाउंट में ए कैपिटल अकाउंट में ट्रेड से निकलेगा बाय बी एंड सी कितने पे 18,000.
बी का 12000 और सी का 6000 इक्वल टू कितना हो गया 18000। क्लियर है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है क्योंकि अगर आप डेबिट साइड में जाते हो तो बी और सी का डेबिट है, तो कैपिटल वन में डेबिट साइड टू ए के नाम से कर दो तो किसी कॉलम में लिखा बी और सी कॉलम पर, यहां पे किसका कॉलम बना हुआ है सिर्फ ए का लिखा, तो इसलिए डेबिट साइड में कुछ नहीं है। लास्ट पॉइंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यहां पर वो पॉइंट है जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि उसके हिस्से का प्रॉफिट किसके बेस पे कैलकुलेट करना है, मरने से था ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे, पिछले साल का प्रॉफिट, लास्ट का प्रॉफिट कौन सा है 7000, क्योंकि 2001 का प्रॉफिट 8000 है, 2002 का प्रॉफिट 12000 है, 2003 का प्रॉफिट 7000 है, तो 7000 प्रॉफिट प्रॉफिट लास्ट ईयर निकालना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट निकालना है हमें प्रॉफिट उस पर, तो 7000 का जैसा प्रॉफिट है उसका हिस्सा कितना है 3/6 बराबर 30 नंबर को 6 महीने का उसका प्रॉफिट मिलेगा, तो 7000 प्रॉफिट है इनटू 6/12 इनटू 3/6। अभी मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का मतलब बताया था कि अगर लास्ट ईयर की प्रॉफिट के बेस पे आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो आपको जो प्रॉफिट देखे उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, जितना उसका हिस्सा है और जितने महीने वो जिंदा रहा है उतने महीने की उसको प्रॉफिट मिलेगी, तो 7000 लास्ट ईयर की प्रॉफिट है उसका हिस्सा 3/6 है, कितने मंथ जिंदा रहा है वो 6 मंथ, तो 6/12 कर दिया तो उसको प्रॉफिट का 7400 है, तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, ये एंट्री होगी ना। अब मैं यहां पे बी एफ सी का डेबिट नहीं कर रहा, क्योंकि जो रेशियो में चेंज होगा अगर सेकंड और थर्ड में से बड़ा होता है रेशियो का तब हम ये एंट्री ना करते, तब एंट्री करते बी एफ सी का डेबिट टू ए कैपिटल। अब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट टू ए कैपिटल, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस 7400, इनका टोटल करेंगे कितना आएगा 48000 बन जाएगा। अब ये सारा पैसा किसको मिलेगा, उसके उत्तराधिकारी जो उसका बेटा है, जो पैसा उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा तो एक ही व्यक्ति का वही इनकम मिलेगी, एक अकाउंट की अगली डेबिट होगी, तो पैसा कहाँ जाएगा उसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में, जैसे डेबिट के बढ़ने में ट्रेड करते हैं वैसे उसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में जो बढ़ेगा वो भी ट्रेड करते हैं, तो टू ए एक्सिट होगा, तो नोटिस करो एक अकाउंट में डेबिट होगा तो एक अकाउंट में डेबिट है टू ए एक्सिट अकाउंट 48190। तो ये हमारा क्वेश्चन है डेथ ऑफ ए फाइनेंसिस में, क्लियर है एक बार आपको दोबारा क्लियर कर दूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके हिस्से का प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेके मरने तक, मतलब कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 31 मार्च 2003 से लेके 30 सितंबर 2003 तक का जो प्रॉफिट निकालना है वो किसके बेस पे निकालना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 7000 रुपीस है, उसके मरने तक का निकालना है तो हमारा 30 सितंबर को हमारे अकाउंट को उसको 31 मार्च को 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा उसको, तो 6 महीने का प्रॉफिट निकाल दिया और उसमें से उसका हिस्सा निकालना है, उसके हिस्से में कितना है 3/6 तुम्हें 3/6 हिस्सा निकालना, तो कितना है 7400। क्लियर है, हमने क्या एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ए, ये एंट्री हम तब करेंगे जब हमारा व्यू रेशियो का पहला मेथड है, अगर हम सेकंड और थर्ड मेथड अप्लाई कर रहे हैं व्यू रेशियो का करने का, हमने याद करो कि रिटायरमेंट के थ्री मेथड करे थे, अगर सेकंड और थर्ड मेथड अप्लाई करें तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, उस केस में जो बाकी दोनों पार्टनर्स हैं जो अभी कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हैं बी और सी तो उनको डेबिट हो जाएगा, जैसे हम गुडविल की एंट्री करते हैं बी और सी अकाउंट में किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में, इसको बार बोले 1750। क्लियर बात, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। अब इससे रिलेटेड अगले सारे क्वेश्चन जितने भी आपके डेथ ऑफ पार्टनर से नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारा आज ये चैप्टर खत्म, थैंक यू।